हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म, जो कि हम बनाने वाले हैं और आपको सिखाने वाले भी हैं। और थोड़ा मेरा गले का इशू है, मुझे गर्मी के मौसम में थोड़ी सर्दी लग गई है। और आज हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म, जो कि हमें बहुत अच्छा खासा आयरन देता है। हम कुछ भी बनाने जाते हैं तो हमें आयरन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हम आज आपको मैं एकदम ईजी आयरन फार्म बनाने सिखाने वाला हूँ। तो चलो पहले आपको दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए। अपने को 20 बेड चाहिए, दो लावा, एक लावा बकेट, दो वाटर साइन बोर्ड और एक फैंस गेट और एक हॉपर, दो चेस्ट ग्लास और कुछ स्टोन्स। पहले तो अपने को ज़मीन से यहाँ पे 14 ब्लॉक हाइट आ जाना है। फिर उसके बाद दोनों तरफ से चार चार ब्लॉक लगा के अपने को चारों तरफ से चार चार ब्लॉक लगाना है। बेसिकली ये 9x9 का एक प्लेटफॉर्म बनाना है। तो फटाफट हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म बन के रेडी होगा। फिर साइड साइड से हमें चारों तरफ से ग्लास लगाने हैं। एक एक लेयर की पूरी ग्लास लगानी है एक ब्लॉक की। अब इसके ऊपर हमें एक नॉर्मल फ्लैशिंग टेबल चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल इजी बन जाता है। बाकी और में तो बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बन जाता है। फ्लिंट एंड स्टील और फ्लिंट से और वुड से बन जाता है। तो हमें यहाँ पे टोटल 20 चाहिए, तो हमने 20 लगा दिए यहाँ पे। फटाफट लगाते हैं। और कुछ इस तरीके से लगाना, क्योंकि सबका एक ही तरफ रहना चाहिए, जिससे कोई उल्टा सीधा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर ये वर्क नहीं करते अच्छे से। ये 20 लग गए। और ये हम ऊपर एक और लेयर लगा देंगे, एक ब्लॉक पूरा, क्योंकि 3 ब्लॉक की हाइट चाहिए ऊपर। और हमें चाहिए 20 बेड, तो हमें यहाँ पे 20 बेड को इस तरीके से प्लेस करना, इधर उधर नहीं होने चाहिए, जैसे हम प्लेस करने। ये हो गया 20 वेट प्लेस। और इसको अभी ढक देते हैं स्टोन से। आराम से आप इसको ऐसे ढक सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर अपना कलेक्टिंग सिस्टम रहने वाला, आयरन कॉलम इसके ऊपर ही स्पॉन होगा। तो इसको फटाफट ढसते हैं, ढक के अंदर आते हैं, टॉर्च लगा देते हैं ताकि आयरन गोलम यहाँ पे कोई जॉम्बी स्पॉन ना होए। और अपने को ये वाले ब्लेजर नहीं चाहिए, ये नल्ले होते हैं। और ना कोई बच्चा ब्लेजर चाहिए, ये छोटे वाले भी किसी काम के नहीं। अपने को सिर्फ वही चाहिए जो आयरन गोलम स्पॉन करे। और ऐसे ब्लेजर डालना गाइस आप लोग ब्लेज से ला के, जिससे आप कभी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो तो वो आयरन नहीं स्पॉन करते आयरन गोलम। और ये देखो मैं बना ही रहा था, अंदर 20 ब्लेजर मैंने डाल दिए। और ये देखो ये ऑटोमेटिक एक स्पॉन हो गया, मतलब आयरन फार्म अपना अभी से काम करने लगा। और साइड साइड से एक एक ब्लॉक डालना है, उसके ऊपर पानी प्लेस करके देखना है। बीच में देखो ये ब्लॉक है जहाँ पे अपना वाटर नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पर अपने कलेक्टिंग सिस्टम रहने वाला है। यहाँ से पहले हम इसको इकट्ठा करेंगे, ब्लॉक तोड़ेंगे और एक बाहर से ब्लॉक लगाएंगे। हमें चेस्ट प्लेस करने के लिए चाहिए, दो चेस्ट लगाना है। पहले तो ये वाटर बंद कर देते हैं। एक अपने को यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करना है, इसके ऊपर चेस्ट आएगी। और एक कलेक्टिंग सिस्टम का इस ध्यान से रखना बनाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है आपको, क्योंकि ब्लेजर अगर इधर उधर हो तो फिर उनको वो मर भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्राउच होके हॉपर लगाना है, ताकि चेस्ट के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर आपको पीछे आना है और यहाँ पे एक दो ब्लॉक प्लेस करने हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको साइन बोर्ड लेने हैं, और जैसे मैं लगाना आपको ठीक वैसे ही लगाना है। ये कलेक्टिंग सिस्टम अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आपका ये फार्म वर्क नहीं करेगा अच्छे से। एक आपको इस साइड लगाना है, एक वहाँ पे लगाना है, और ये कि यहाँ पे स्लैब प्लेस करना है, और स्लैब के ऊपर एक साइन बोर्ड लगाना है। और एक जस्ट ये अपना जो पहला ब्लॉक हमने लगाया वहाँ पे एक अपने को फैन एक गेट लगाना है। अब इस पर क्राउच होके एक साइन बोर्ड लगाना है। साइन बोर्ड को इस तरीके से लगना चाहिए। और नीचे के दोनों ब्लॉक तोड़ देंगे हम, और ये अपना कलेक्टिंग सिस्टम रेडी हो गया। बस सिर्फ इसमें लावा बकेट डालना है। ये हम चारों दोनों तरफ से पानी डाल देंगे। और ये हमने लॉ बकेट यहाँ पे लेके डाल दी, और ये अपना कलेक्टिंग सिस्टम रेडी हो गया गाइस। अब देखो आयरन गोलम स्पॉन होगा और अपने आप मरेंगे।
चलो भाई डेट सेट के थे वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पापा एंड पीस आउट। मेरा भी थोड़ा क्लास खराब है, अगर आपको थोड़ी अलग सी नॉइस है तो आई एम रियली सॉरी।